नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोस्तों NTPC परीक्षा के बारे में, तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर अभी आपका 28 से एग्ज़ाम शुरू हुआ है और 30 तारीख तक एग्ज़ाम हो चुके हैं। और दोस्तों आज है 31 दिसंबर 2020। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आज के एग्ज़ाम के बारे में दोस्तों, तो आज NTPC की जो परीक्षा है वो नहीं है। और दोस्तों किस किस दिन आपका परीक्षा नहीं है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आपको दोस्तों पता होगा या ना भी पता हो तो ये बात जान लीजिए कि आज आपका परीक्षा नहीं है 31 दिसंबर को। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है आपका जो है 31 के अलावा 1 को भी नहीं है, 2 को भी नहीं है, 3 को भी नहीं है। यानी इस 4 दिन आपके 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इसमें जो आपका एग्ज़ाम जो है NTPC का वो यहाँ पे नहीं किया गया है। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दोबारा से रिज्यूम जो होगा वो 4 तारीख से शुरू हो जाएगा। और यथावत जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसी तरह से 2 सेक्टर आपके एग्ज़ाम जो है 4 तारीख से शुरू हो जाएंगे, फिर 4 और 5 को होगा। और फिर जहाँ तक मुझे कैलकुलेशन मिली है वो 6 को फिर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी 5 दिन आपके गैप किए गए हैं, 31, 1, 2, 3 और फिर आपका जो है 5 को, इस आपके जो है 6 तारीख को, इतने दिन आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये आपके 5 दिन है इसमें आपकी परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। तो सब परीक्षा अब होगा, यानी अब कब है परीक्षा, तो सब परीक्षा अब होगा वो आपका 4 तारीख को रिज्यूम होगा NTPC का। अगर दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो आपके NTPC एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मिलेंगे क्वेश्चन कई टाइप के, एप्टीट्यूड के होंगे, रीजनिंग के होंगे, स्टैटिक GK एंड GS के होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे। चलिए थोड़ा हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह पर क्वेश्चन कल के पेपर में आए हुए थे। इसके अलावा आपको अगर 70+ स्कोर करना है तो किस तरह से पढ़ाई करनी होगी। और सब सुना हुआ कई छात्र ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 95+ मेरे सही हो गए हैं, 90+ सही हो गए हैं, तो इसका क्या रीज़न है, किस तरह से आपको लोग भटका रहे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो पहली बात तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरों की बातों में ना आए, आपको सेफ स्कोर करना है, आपको अच्छा स्कोर करना है। यहाँ पर आप 95+ या 90+ करने का बिल्कुल मत सोचिए। ये सोचिए जितना भी क्वेश्चन हम वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे वो हमारे एक्यूरेट होंगे, सही होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके तभी बढ़ेंगे जब आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे मेंटेन रह पाएगी। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत डिफरेंट है, आप रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं, राइट क्वेश्चन आपके 80 भी सही हो रहे हैं, अगर आपने 20 रॉन्ग कर दिया तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, आपके जो नंबर है वो निगेटिव होकर कम हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इसलिए आपको दोस्तों अगर आप 70+ आप स्कोर कर पा रहे हैं इजिली, तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना एक्यूरेसी जो है उसको मेंटेन रखते हुए उतने अटेम्प्ट करें जितना आप क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, आपसे जो भी लग रहे हैं। तो देखिए आपको जैसे कल आपका कल वाला पेपर अगर हम बात करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में था 30 दिसंबर को, तो रिपब्लिक बुक के लेखक का नाम पूछ लेंगे जो कि प्लूटो हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका बुक और आथर ये जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। और खासकर जो करंट अफेयर्स की बुक्स हैं, जो नए बुक्स अभी रिलीज़ हुए हैं 2020 में 2019 में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल तो काफ़ी पीछे की बुक्स भी पूछ लिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जहाँ तक आपके बुक्स के आथर का नाम पूछता है वो आप करंट के ही होते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर पूछ लिया जो कि पेरिस में है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे होगा, देखिए बर्मिंगम में होगा, इंग्लैंड में, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। देखिए वायरस पे एक क्वेश्चन आया था निपा वायरस का, इस समय वो कहाँ फैला हुआ था, दोस्तों केरल में फैला हुआ था। और देखिए पूछ लिया महावीर स्वामी का जो मूल नाम था, तो इससे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए आपका आई और क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो यहाँ पे पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अदर कंट्रीज़ दोस्तों जो है आपकी, यानी दोस्तों के भारत को छोड़ के जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर है पूरे पृथ्वी पर, उसमें किस तरह से उथल पुथल हो रहा है, क्या चेंजिंग आ रही है, जहाँ पे करंट में आपके कुछ अपडेट हुए होंगे उसको एक बार देख लीजिएगा, उसकी कैपिटल देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए स्टेट के पूछ लिया था क्वेश्चन, यहाँ पे स्टेट की बात करते हैं, सी की बात करते हैं, ओशियंस की बात करते हैं, कौन सी स्टेट किसको जोड़ती है, जैसे आपका भारत और श्रीलंका को यहाँ पर पाक जलसंधि जो है, यानी पाक स्टेट है जो आपको एड जोड़ती है, इस तरह से ओशियंस को कौन जोड़ते हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, इस तरह क्वेश्चन आप दे सकते हैं। फिर देखिए आपका जो मेन चीज़ें हैं वहाँ के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, फिर CEO कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ था कंप्यूटर, दोस्तों अगर बात करते हैं कंप्यूटर के, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के 3 से 4 से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं NTPC के एग्ज़ाम में। जैसे देखिए यहाँ पे कल आपका पूछ लिया था DHCF का फुल फॉर्म पूछ लिया था, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इससे पहले दोस्तों का CPU के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखने को कंप्यूटर के भी। अगर दोस्तों हम बात करते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग की, तो वहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 29 तारीख को टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आए हुए थे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, SI एंड CI लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पे इजी थे लेकिन बहुत ज़्यादा इजी नहीं, मॉडरेट लेवल था इसका। और मेंशन की बात करते हैं, मेंशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ज्योमेट्री के लगभग 3 क्वेश्चन थे। तो ये सब आपको प्रिपेयर कर लेना है एप्टीट्यूड के पोर्शन में। इसके अलावा देखिए रीजनिंग में आपका जो है
कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो देखिए सीरीज का 3 क्वेश्चन लगभग था, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपका राउंड टेबल की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर केवल आपके रो में बैठाए जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन वो देखने को मिले हैं। ब्लड रिलेशन के लगभग 2 या 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम के बेस के बाद 3 क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पर DI दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपका टेबल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या फिर दोस्तों ग्राफ के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में देना है। और फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे वो वेन डायग्राम के थ्रू हो या फिर दोस्तों स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, और आपको ट्रू फॉल्स को यहाँ पे बताना होता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं, उसमें गवर्नर और सीएम की बात करते हैं, तो एक बार वो भी रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं तो फिजिक्स के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन और यहाँ पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो है वो GS के आपके देखे गए हैं, इसलिए आप GS को भी देख सकते हैं। लेकिन GS का जो लेवल है इस समय अभी, जो भी आपके परीक्षा हुए हैं पिछले, उसमें लेवल तो कम था, लेकिन आगे लेवल क्या रहेगा ये आपको देखना है कि 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेगा, अभी तो वो फिर नेक्स्ट एग्जाम में आप देखेंगे। इसके अलावा देखिए ड्रीम 11 के CEO इस समय जो हर्ष जैन है, उससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था अभी कल वाले एग्जाम में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रीजनिंग एप्टीट्यूड के, तो प्रिपरेशन करते रहे दोस्तों। यहाँ पर 95 और 90 के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो यूट्यूब वाले हों या फिर दोस्तों जो भी यूट्यूबर्स हों या फिर कैंडिडेट्स हों, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं कि मैंने 90 अटैम्प्ट किया है, मैंने 95+ अटैम्प्ट किया है, तो इस चक्कर में आप ना पड़े, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और यहाँ पर जो भी एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करते हुए ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाए करें। तो फ्रेंड्स ये पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन थी एग्जाम से बारे में। और तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।